अजमेर के बिहारीगंज हनुमान मंदिर के नजदीक बने नॉनवेज के ठेले को हटाने के लिए आज क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और ठेले को बजाते हुए उसे हटाने की मांग की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 1.5 से 2 महीने पहले अवैध रूप से नॉनवेज का ठेला सड़क पर लगा दिया गया और इसके आसपास 2 बालाजी के मंदिर बने हुए हैं। ऐसे में कई बार श्रद्धालु यहां से गुजरते हैं तो उन्हें असुविधा झेलनी पड़ती है। सभी ने ठेले को हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, नगर निगम से शिकायत कर ठेले को हटाने की मांग रखी। प्रदर्शन की सूचना पर मालिक पहुंचा और उसने आश्वास किया कि वह हटा देगा। मेरे हिसाब से कि यहाँ जो ये मंदिर है, दोनों जगह बालाजी का मंदिर है सातपिपली और एक पंचमुखी बालाजी, उसके बीचों बीच ये अंडे और मीट के ठेले लगे हुए हैं, तो ये नहीं लगने चाहिए। ये शुद्ध, हम सब यहाँ घूमने भी आते, लोग सब सुबह सुबह जाते हैं यहाँ से, सबको उल्टियाँ आती हैं, सब परेशान होते हैं, तो ये ठेले यहाँ से हट जाए, बस इतना हमारा निवेदन। ये ठेले नहीं लगने चाहिए अंडे और मीट। ये है बिहारीगंज फर्स्ट गली के पास दरगाह कब्रिस्तान के पास, कोई अतिक्रमण नहीं है? ये अतिक्रमण है, सारा अतिक्रमण है सर। ये परेशानी, इसको परेशानी इतनी है कि हम लोगों को निकलने का रास्ता नहीं, हमारो गंदगी, हमें गंदगी से परेशान कि हम, ये गंदगी से उल्टियाँ होती है सबको, यहाँ परेशान गाड़ियाँ खड़ी होती है, हम गाड़ियाँ लेने आए तो हमारे को उल्टियाँ होती है, ये अच्छा नहीं है। यहाँ से ये अतिक्रमण हट जाए, कब्रिस्तान है पीछे कब्रिस्तान है ये, तो ये चीज़ें यहाँ से सिर्फ अंडे मीट के हटाई जाए, फ्रूट्स की हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फ्रूट का ठेला लग गया, कंप्लेंट हमने बहुत कंप्लेंट की है सरकार को, हमने नगर निगम में भी की है, हमने कलेक्ट्री में भी की है, हम सब जगह कही है, और इसी कारण से आप लोग, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर ये नहीं हटा, कुछ और अगर गलत हो चुका तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं जिम्मेदारी, इसका सरकार जिम्मेदारी होगा इसका। हम कुछ भी चाहे, हम यहाँ कुछ भी कर सकते, लेडीज़ है जितनी लेडीज़ है, किसी कुछ भी हुआ तो ये सरकार की जिम्मेदारी है।